हेलो एवरीवन, दिस इज राम केवल एंड यू वाचिंग स्केटसल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रेटर का। पोएट्री सेक्शन भी डाल दिया मैंने, प्रोज का भी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे इस बार के 2020 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा सप्लीमेंट्री रीडर से। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं सप्लीमेंट्री रीडर में जो इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हमेशा इसी तरह की क्वालिटेटिव वीडियो आपको लाता रहूँगा। कोर्स भी कंप्लीट है और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको डाटा मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से कौन सा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर की, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो एडिशन का के बारे में चैप्टर है उससे हम देखते हैं। तो मैंने पाया है कि ये जो क्वेश्चन है इसे शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो श्योर है, ये आप भी जानते होंगे। तो सबसे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ द स्कूल, ये इस साल के लिए यानी कि 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन हमारा, वाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, इस क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया है बोर्ड पेपर में कि विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस, तो इसको भी देख लीजिएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो अभी इसी क्वेश्चन के कुछ और भी, इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन जो है, इन व्हाट वे डिड एडिशन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। यही क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया है कि इन व्हाट वे डिड एडिशन मेक द वर्ल्ड हैप्पी एंड ब्राइट, इस तरह से पूछा गया है। और ब्राइट पहले आ सकता है, हैप्पी बाद में आ सकता है, कि इन व्हाट वे डिड एडिशन मेक द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 जो है, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 17वां जो क्वेश्चन है, हाउ एडिशन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये क्वेश्चन थे जो फर्स्ट चैप्टर से सप्लीमेंट्री रीडर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इस साल के 2020 एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन रखा हुआ है जो आपकी किताब में है नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि व्हाट डिड द एंजल आस्क द किंग टू डू बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन, सॉरी, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा को क्या करने के लिए एंजल ने कहा, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैंने रखा है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि पहला क्वेश्चन है, डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य, ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा गया कि व्हाट डू वी नो डेफिनेटली अबाउट किंग विक्रमादित्य, हमको क्या पता है निश्चित रूप से, कुछ नहीं पता भाई। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस अब विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करें तो व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन मॉस, जो लड़का उस टीले पर बैठता था उसमें क्या चेंजेस देखा लड़कों ने। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, पहले एंजल ने क्या कहा, यही क्वेश्चन था जो मैंने पहले अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया है, वो सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एंजल आस्क द किंग टू डू बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन, तो इसको आप मिस मत करिएगा। आगे अगर बढ़ें तो
जो 13वां क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। हु वॉज विक्रमादित्य, वेयर डिड ही रेन, इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि वेयर डिड विक्रमादित्य रेन, व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर हो सकता है ये पार्ट और ये पार्ट पूछ ले। तो जैसे भी पूछे ये तीन पार्ट आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम 15 जो है क्वेश्चन, व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए वो फेमस थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तो ओलंपिक प्राइज से जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ओलंपिक प्राइज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर 3 को, वाई वाज एससी ओ एंड एंग्री, गुस्सा क्यों थे भाई, ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हुज हैड डिड जेसी ओवेंस फील ऑन इट्स शोल्डर, व्हाट डिड इट सिग्निफाई, किसका हाथ उनको महसूस हुआ, ये क्वेश्चन भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम में क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पेडी कुबर्टियन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम, ये भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स अकॉर्डिंग टू पेडी कुबर्टियन, ठीक, जैसे भी पूछे आप आंसर दे दीजिएगा, कुछ समझना होगा आपको। आगे बढ़े तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज लुसलांग, हाउ डिड ही डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ हिज रेस, कैसे वो अपनी जाति के अन्य लोगों से अलग था, इन सब के बारे में बताना है। तो कुछ क्वेश्चन थे सप्लीमेंट्री रीडर से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। अगर हम बात करते हैं 2020 की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इनको आप मिस मत करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कम्प्लीटली, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।